सेट कर दो, ऑन कर दिया है। ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पॉलिस्टर के बारे में कल हम लोग पॉलिस्टर कंपाउंड के बारे में पढ़े थे, पॉलीमर पॉलिस्टर के बारे में। पॉलिस्टर के बारे में कल स्टडी किए थे, लेकिन आप लोगों से जब पूछा गया तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आ गई आप लोगों में। एक बार मैं पॉलिस्टर को फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हमने पॉलिस्टर के बारे में बताया था कि मोनोमर पॉलिस्टर के क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। यूज ऑफ पॉलिस्टर पे हम लोग थे, यूज ऑफ पॉलिस्टर के बाद हम लोग पेट के बारे में स्टडी करते हैं, पॉलीथाइल टर्फथैलेट क्या होता है इसके बारे में, ये भी एक तरह का पॉलिस्टर है, इसके बारे में नेक्स्ट स्टडी करेंगे हम लोग। लेकिन रिवाइज कर लीजिए, पॉलिस्टर जो पॉलीमर है ये क्या है, पॉलिस्टर क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, ये क्या है, ये सिंथेटिक फाइबर, क्लियर। और पॉलिस्टर को जो बनाया गया है उसके मोनोमर यूनिट का नाम क्या है, मोनोमर यूनिट का नाम है इस्टर, क्लियर। अब इस्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, इस्टर क्या है, तो इस्टर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, क्लियर। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या है, ऑर्गेनिक सोर्स है, प्लांट्स के माध्यम से इसको प्राप्त किए जाते हैं, और भी बहुत सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक सोर्स, उसके माध्यम से इस कंपाउंड को हम लोग प्राप्त करते हैं, क्लियर। और इस्टर कंपाउंड का एक स्पेशल स्मेल होता है जिसे हम कहते हैं स्वीट और फ्रूट्स स्मेल के नाम से जानते हैं। और इस कंपाउंड का जो यूज किया जाता है, हम लोग बहुत सारे जगह पे इस कंपाउंड का यूज करते हैं स्मेल के लिए, परफ्यूम के निर्माण में इसका यूज करते हैं, सोप के निर्माण में इसका यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह का स्वीट्स वगैरह बनाते हैं उसमें इसका यूज करते हैं, इंसेंस स्टिक के निर्माण में हम इसका यूज करते हैं, बहुत सारे जगह हम इस्टर कंपाउंड का यूज करते हैं। आप साबुन लगाते हैं, बहुत सारे स्मेल का साबुन आता है, सोप परफ्यूम यूज करते हैं, डिओड्रेंट यूज करते हैं, बहुत सारे स्मेल का आ रहा है। आप बहुत सारे चीज़ में जो स्मेल जो दिया गया है वो किस कंपाउंड का दिया गया है, इस्टर ग्रुप कंपाउंड का। तो इस्टर कंपाउंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, क्लियर। अब देखिए, पॉलिस्टर जो बनाया गया है, पॉलिस्टर किससे बनाया गया है, तो पॉलिस्टर कंपाउंड का मोनोमर यूनिट क्या है, इस्टर। तो कई मोनोमर यूनिट जुड़े, कई मोनोमर यूनिट जुड़े, जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर हो गया, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, इस्टर के नाम से जानते हैं, समझ में आ रही है ना। तो ये सारे मोनोमर यूनिट, इस्टर एक यूनिट ये हो गया, ये यूनिट हो गया, मॉलिक्यूल हो गया इस्टर का, फिर दूसरा इस्टर का मॉलिक्यूल हो गया, फिर तीसरा इस्टर का मॉलिक्यूल हो गया, फिर चौथा इस्टर का मॉलिक्यूल हो गया, इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, समझ में आ रही कि नहीं। तो ये जो जुड़े, तो जुड़ने की जो घटना घटी किस केमिकल प्रोसेस के माध्यम से जुड़े, यस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के माध्यम से ये आपस में जुटे, और जुट करके इस तरह का कंपाउंड बनाया, इसी कंपाउंड को क्या बोला, पॉली। पॉली का मतलब अनेक, क्या अनेक है भाई, इस्टर है, तो पॉलिस्टर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। यानी कई मोनोमर यूनिट आपस में जुटे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से, तो क्या बनाया, पॉलिस्टर बनाया। और देखो, फेमस पॉलिस्टर जो है वो कहलाते हैं टेरिलीन एंड डेक्रॉन, ये फेमस पॉलिस्टर हो गए, क्लियर। टाइप ऑफ पॉलिस्टर क्या हो गया, टेरिलीन और डेक्रॉन। अगर पूछा जाए आपसे कि टाइप्स ऑफ पॉलिस्टर का नाम बताइए, क्या बोलेंगे आप, टेरिलीन और डेक्रॉन, कोई प्रॉब्लम। अब देखो, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर में हम कॉटन मिला दिए,
तो पॉलिस्टर कैसा हो गया फाइबर सिंथेटिक? पॉलिस्टर कैसा कंपाउंड हो गया? सिंथेटिक। पॉलिस्टर कैसा? और कॉटन, तो दोनों को मिला दिया तो अब ये क्या बने? सेमी सिंथेटिक फाइबर का निर्माण हो गया। कोई प्रॉब्लम समझने में? सेमी सिंथेटिक फाइबर, तो क्या क्या जुटा? पॉली, क्लियर, कॉट, तो पॉलीकॉट नाम पड़ा, या नहीं तो इस फाइबर को हम क्या कहेंगे? पॉली कॉटन के नाम से जानेंगे। समझ में आ रही है ना? अब देखो, पॉलिस्टर का नेचर, ये सिंथेटिक फाइबर है, इस सिंथेटिक फाइबर का नेचर नहीं है कि मॉइस्चर को, वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने का, ये लेस एब्जॉर्बर होते हैं। वाटर के ये क्या होते हैं? पॉलिस्टर लेस एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, और ये जो होते हैं बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, क्लियर। तो दोनों का मिला दिया नेचर, दोनों को मिला दिया, तो दोनों का नेचर मिला दिया तो ये मिडिल एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हो गए। बस समझ में आ रहे? नहीं, यानी कि ये जो पॉली कॉटन होंगे ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी इसमें होगा कि नहीं होगा? होगा, क्लियर। चूंकि इसमें क्या मिले हुए हैं? कॉटन मिले हुए हैं, तो पॉली कॉटन जो है इसका टेंडेंसी क्या हो गया? इसका टेंडेंसी हो गया टू एब्जॉर्ब वाटर। हाँ, बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन कुछ अमाउंट वाटर को एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी आया कि नहीं आया ड्यू टू कॉटन के कारण से। सो पॉली कॉटन इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ ड्रेस मटेरियल्स, ड्रेस मटेरियल। समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ड्रेस मटेरियल्स का मतलब क्या हो गया? साड़ी हो गया, शर्ट हो गया, ये सब चीज़ों के निर्माण में पॉलिस्टर कंपाउंड का यूज किया गया, तो पॉली कॉटन का भी यूज वहाँ पर किया गया। कोई दिक्कत? तो पहला हमने देखा पॉलिस्टर के साथ। अब पॉलिस्टर का एक टाइप है, वो टाइप क्या कहलाया? टेरिलिन। तो टेरिलिन के साथ क्या हम ब्लेंड कर दिए? कॉटन को ब्लेंड कर दिए। तो टेरिलिन कैसा कंपाउंड है और कॉटन, तो दोनों मिलकर के कैसा बना दिया? वेरी गुड, सेमी सिंथेटिक बना दिया। अब इस सेमी सिंथेटिक का नेचर देखो, टेरिलिन लेस एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, कॉटन मोर एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। इसका मतलब है ये टेरिलिन जो बना, टेरी प्लस कॉट, टेरी कॉट, या नहीं तो क्या बोले? टेरी कॉटन बोले। तो टेरी कॉटन का यूज किसके? बहुत सारे ड्रेस मटेरियल में इसका भी यूज करेंगे हम, क्योंकि कॉटन मिक्स हो गए, तो कॉटन मिक्स हो गए तो कुछ ना कुछ अच्छे क्वालिटी इसमें मिक्स हो गए। हाँ, तो इसको ड्रेस मटेरियल में के निर्माण में भी इसका यूज किया गया, क्लियर। और देखो ये सब जो पॉलिस्टर के जो धागे होते हैं, ये धागे काफ़ी लाइट वेटेड होते हैं, हल्का होता है, और इस धागे का निर्माण सेल के निर्माण में, सेल्स वगैरह जानते हो, बोट में जो कपड़ा लगाया जाता है हवा के बहाव को रोकने के लिए, बोट नाव में लगाया जाता है, उसको सेल के नाम से जानते हैं। तो सेल वगैरह के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत है टेरी कॉटन को समझने में? तो ये दूसरा कंपाउंड हो गया टेरी कॉटन। तीसरा क्या कंपाउंड हो गया? टेरी लीन प्लस उल मिला दिया, तो ये भी सेमी सिंथेटिक थ्रेड बने।
और इस सेमी सिंथेटिक थ्रेड का क्या नाम हो गया? टेरी उल। अब देखो टेरिलीन सिंथेटिक हो गया, उल क्या हो गया? नेचुरल। और उल जो होते हैं इनका नेचर क्या होता है? वार्म, गर्म नेचर का होता है। और उल का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? स्वेटर जैकेट वगैरह के निर्माण में उल का प्रयोग करते हैं। तो इसका भी हम लोग किसमें, किसके निर्माण में? वार क्लब्स के निर्माण में हम इनका यूज करते हैं। कोई दिक्कत है? चौथा कंपाउंड हो गया हमने टेरिलीन में सिल्क मिला दिया, तो ये भी सेमी सिंथेटिक बने, सेमी सिंथेटिक फाइबर। अब इसका नाम क्या हो गया? टेरी सिल्क नाम हो गया। अब सिल्क का प्रयोग हम लोग सिल्क का कुर्ता पहनते हैं, सिल्क का साड़ी वगैरह होता है, सिल्क के बहुत सारे कपड़े का निर्माण किया जाता है। तो इसका भी टेरी सिल्क का भी निर्माण किस में किया जा रहा है? मेकिंग ऑफ क्लब्स, ड्रेस मटेरियल में। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट का लाया पांचवा, टेरिलीन में कॉटन मिला दिया, उल मिला दिया, सिल्क मिला दिया, नाइलॉन मिलाया, तो टेरी नाइलॉन, ध्यान देना टेरी नाइलॉन। ये एक अलग तरह का थ्रेड है और ये कैसा कहलाया? सिंथेटिक, प्योर सिंथेटिक थ्रेड कहलाया। और इसका टेरी नाइल, ये एक नया कंपाउंड है। इस कंपाउंड का नाम क्या है? टेरी नाइल। और टेरी नाइल का जो प्रयोग किया जाता है बैंडेज के निर्माण में, क्लियर? साथ ही साथ इनका यूज जो किया जाता है पैराशूट के निर्माण में भी इनका यूज किया जाता है। और इनका यूज जो किया जाता है स्विमिंग सूट्स के निर्माण में भी इनका यूज किया जाता है। कोई दिक्कत समझने में? अब देखिए बहुत सारा यूज हो गया इसका, इसका डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स के निर्माण में इनका यूज किया जा रहा है, सेल के निर्माण में इनका यूज किया जा रहा है, इनका टेरिलीन का प्रयोग बहुत सारे फील्ड में किए जा रहे हैं। कोई दिक्कत समझने में? इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को राइट करो और नेक्स्ट हम लोग टॉपिक आगे बढ़ावेंगे। अब देखो इतना हम लोग स्टडी कर लिए, अब यहाँ पर एक पॉइंट है माइलर क्या होता है, क्लियर? और यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है पेट क्या होता है, PET। पहले माइलर देखो, माइलर क्या होता है? MYLAR, माइलर। पॉलिस्टर का यूज जो किया जाता है फिल्म के निर्माण में, तो पॉलिस्टर का जो फिल्म होता है, क्लियर, उस फिल्म को क्या बोला गया? माइलर। यानी कि पॉलिस्टर फिल्म इज नोन एज माइलर। रील होता है ना, हम लोग कैसे टूशेट वगैरह में जो रील का यूज करते हैं ना, क्लियर, हाँ, वो क्या कहलाता है? माइलर। तो ये पॉलिस्टर का बनाया गया होता है फिल्म, उसको फिल्म के नाम से जानते हैं हम लोग। जो टेप लगाते हैं उसके बाद ऑडियो वीडियो देखते हैं, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर, क्लियर। टेप रिकॉर्डर जो होते हैं उसके अंदर में मैग्नेटिक व्हील होते हैं, हम टेप को उसके अंदर में लगा दिए और वो नाचने लगा,
तो उसके ऊपर जो आप देखते होइएगा रील जो देखते होइएगा, वो रील क्या कहलाया? पॉलिस्टर फिल्म के नाम से जाना गया। और उस रील को क्या बोला गया? माइलर। और उसी माइलर का यूज कहाँ पे किया जाता है? टेप रिकॉर्डर में, यानी कि ऑडियो वीडियो सेंस में। अब धीरे धीरे इसका तो जमाना समाप्त होते जा रहा है, अब तो हम लोग डायरेक्ट जो है सो नेट के माध्यम से फिल्म देख लेते हैं, गाना देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो अब इसका तो धीरे धीरे प्रयोग कम होते जा रहा है। टेप रिकॉर्डर का प्रयोग पहले बहुत हुआ करता था, कैसेट्स का प्रयोग, समझ में आ रही है ना? लेकिन अब सारे वो सब धीरे धीरे समाप्त होते गए। अब देखो ये क्या कहलाया? माइलर। माइलर किसका बना हुआ है? पॉलिस्टर का बना हुआ है। और इसको क्या बोला गया? माइलर पॉलिस्टर का फिल्म है, क्लियर। और इसका यूज कहाँ किया जा रहा है माइलर का? मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर में, ऑडियो वीडियो के सेंस में हम इसका यूज करते हैं, कैसेट वगैरह में। कोई दिक्कत समझने में? अब एक इम्पॉर्टेंट पॉलिस्टर जिसे PET के नाम से जाना गया, पेट। पेट का मतलब क्या होता है? पॉली इथाइलीन टर्पथाइलेट। पेट का पूरा नाम क्या हो गया? पॉली इथाइलीन टर्पथाइलेट। अब देखो पेट जो बना हुआ है, इथाइलीन ग्लाइकोल एक कंपाउंड होते हैं और टर्पथाइलिक एसिड एक कंपाउंड होते हैं। दोनों कंपाउंड को जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, कौन कौन सा कंपाउंड है, क्या लिखा हुआ है? टर्पथाइलिक एसिड प्लस इथाइलीन ग्लाइकोल, ये पेट का मोनोमर यूनिट हो गया। दोनों मिलकर के क्या बना है? इथाइलीन ग्लाइकोल और टर्पथाइलिक एसिड मिलकर के, पॉली का मतलब कई मोनोमर यूनिट, किसका है? इथाइलीन, पॉली इथाइलीन। पॉली का मतलब कई मोनोमर यूनिट, इथाइलीन एक मोनोमर यूनिट का नाम हो गया और टर्पथाइलेट एक मोनोमर यूनिट का नाम हो गया। तो इसको क्या नाम दिया गया? पॉली इथाइलीन टर्पथाइलेट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और इस कंपाउंड में जब हम इसको हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद इसके साथ साथ क्या निकलता है, रिलीज होता है? वाटर। यानी टर्पथाइलिक एसिड और इथाइलीन ग्लाइकोल को हीट किए, तो हीट करने के बाद क्या बना? पॉली इथाइलीन टर्पथाइलेट। पॉली इथाइलीन टर्पथाइलेट का शॉर्ट नेम क्या हो गया? पेट हो गया, क्लियर। अब ध्यान देना, ये जो रिएक्शन होता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हुआ, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हुआ, और ये एक स्पेशल टाइप का पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है जिसको क्या बोला गया? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के नाम से जाना गया। ध्यान कर लीजिएगा, इसको रिमेंबर कर लीजिएगा आप लोग, क्लियर। पेट का जो निर्माण हुआ, पॉलीइथाइलीन टर्पथाइलेट का जो निर्माण हुआ, ये क्या है? ये भी एक पॉलिस्टर है। ये क्या कहलाया? पेट क्या कहलाया? ये भी एक पॉलिस्टर है ना जी, पॉलिस्टर। उसका नाम क्या हो गया? केमिकल नेम क्या हो गया? पेट कैसा नेम कहलाया? तो ये केमिकल नेम कहलाया इसका। और ये मोनोमर यूनिट कौन कौन से हैं इसके? टर्पथाइलिक एसिड एंड इथाइलीन ग्लाइकोल, क्लियर। और जो प्रोसेस हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है? जब इस दोनों को हीट किया तो क्या मिला?
दोनों को हिट किया तो क्या मिला? क्या शॉर्ट नेम हो गया? और इसके साथ साथ क्या रिलीज किए? चलिए राइट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ मूव करेंगे हम लोग। हाँ ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम लोगों का फाइबर क्या आ रहा है? एक्राइलिक फाइबर। और एक्राइलिक फाइबर को हम लोग ओरलोन के भी नाम से जानते हैं और एक्रिलियन के नाम से भी जानते हैं। एक्रिलियन के भी नाम से जानते हैं और ओरलोन को। और एक्राइलिक फाइबर कैसा फाइबर होता है? तो ये जो होते हैं कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर होता है। क्लियर? और इस फाइबर की खासियत ध्यान दे देखिए, ये फाइबर रिसेम्बल विथ नेचुरल ऊल। हम लोग का जो नेचुरल ऊल है उससे ये मिलता जुलता फाइबर होता है। सो दैट दिस फाइबर इज यूज इन द मेकिंग ऑफ स्वेटर जैकेट्स वगैरह में हम लोग इसका यूज करते हैं। और इसका जो मोनोमर यूनिट्स होते हैं, मोनोमर यूनिट्स, उसको क्या नाम देते हैं? एक्राइलो नाइट्राइल के नाम से जानते हैं। क्या नाम देते हैं? एक्राइलो नाइट्राइल। अब देखिए ये कैसे बना, इसके मोनोमर यूनिट का केमिकल नेम क्या हो गया? एक्राइलो नाइट्राइल। कैसे बना सो देखिए, हम कई एक्राइलो नाइट्राइल मॉलिक्यूल लिए, एक्राइलो नाइट्राइल प्लस एक्राइलो नाइट्राइल प्लस एक्राइलो नाइट्राइल, तीन मोनोमर यूनिट हो गया, थ्री मोनोमर्स, मोनोमर यूनिट हो गए। क्लियर? तीन मोनोमर यूनिट्स हो गया। अब इसको हमने क्या कर दिया? हीट किया। तो हीट करने का प्रोसेस क्या कहलाया? दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। और जब हीट किया तो क्या बना? पॉली पहले देंगे हम, कई यूनिट आवेंगे, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। क्या नाम देंगे? पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, एक्राइलो नाइट्राइल। क्लियर? अब देखो शॉर्ट में क्या नाम देंगे? पी का मतलब पॉली, ए का मतलब एक्राइलो और एन का मतलब नाइट्राइल। तो शॉर्ट नेम क्या हो गया इसका? पैन हो गया। कोई प्रॉब्लम समझने में? तो ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं और ये फाइबर किससे रिसेम्बल करता है? नेचुरल ऊल से। इनके मोनोमर यूनिट का नाम क्या है? एक्राइलो नाइट्राइल। कई एक्राइलो नाइट्राइल मोनोमर यूनिट को जब हीट किया पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से तो क्या बना? पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। और पॉली एक्राइलो नाइट्राइल का शॉर्ट नेम क्या हो गया? पी से पॉली, ए से एक्राइलो, एन से नाइट्राइल, पैन नाम हो गया। कोई दिक्कत समझने में? अब इसका प्रॉपर्टीज देखो क्या है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं अब इस फाइबर का। पहला, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी है कि नहीं? ऊल वाटर को एब्जॉर्ब करता है कि नहीं? गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। लेकिन ऊल के अपेक्षा में, नेचुरल ऊल के अपेक्षा में ये लेस एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होते हैं। पहला प्रॉपर्टी, लेस एब्जॉर्बर ऑफ वाटर एज कंपेयर टू नेचुरल ऊल। बात समझ में आ रही है ना? दूसरा, इनका नेचर क्या होता है? वार्म नेचर होते हैं। तीसरा, ये किस नेचर के होते हैं? ये लस्ट्रस नेचर के भी होते हैं। लस्ट्रस नेचर, चमकीला धागा होता है ये। ये कई कलर में अवेलेबल होते हैं,
अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स. क्लियर. फाइव, ये सॉफ्ट थ्रेड होते हैं, सॉफ्ट फाइबर होते हैं ये. चौथा, सॉफ्ट थ्रेड होते हैं, साथ ही साथ ये ड्यूरेबल भी होते हैं, चीपर देन नेचुरल ऊल होते हैं, ये इलास्टिक नेचर के होते हैं, इलास्टिक नेचर के होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं. इलास्टिक नेचर का मतलब फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं. कोई दिक्कत समझने में? ये सब इनके प्रॉपर्टीज हो गए. लेस एब्जॉर्बर ऑफ वाटर एज कंपेयर टू नेचुरल ऊल, वार्म नेचर के होते हैं, लस्टर्स नेचर के होते हैं, ये डिफरेंट कलर में अवेलेबल होते हैं, सॉफ्ट रेड होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, और जो नेचुरल फाइबर होते हैं उसके अपेक्षा में ये क्या होता है, काफ़ी सस्ता होता है. और सबसे बड़ी खासियत क्या है, इनका नेचर क्या होता है, इलास्टिक नेचर यानी फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं. कोई दिक्कत समझने में? अब इनका यूज हम कहाँ करते हैं? देखो, ऊल का यूज हम लोग स्वेटर के निर्माण में करते हैं, तो इनका भी जितने भी वार्म क्लथ्स हैं सारे वार्म क्लथ्स के निर्माण में इनका यूज होता है. चूँकि ये सस्ता होते हैं, नेचुरल ऊल से सस्ता है, तो सस्ता है तो इसका वेराइटीज़ ऑफ वार्म क्लथ्स के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है. तो पहला यूज क्या है, यूज इज इन द मेकिंग ऑफ वार्म क्लथ्स. पहला यूज हो गया. दूसरा यूज, सॉक्स वगैरह के निर्माण में भी हम लोग इसका यूज करते हैं. तीसरा, दरी वगैरह बनते हैं, कारपेट्स, कारपेट्स के भी निर्माण में बहुत सारे जगह हम लोग इनका यूज करते हैं. कोई दिक्कत है समझने में? जल्दी राइट कर लीजिए इसको. राइट कर लिए. अब इसके बाद हम लोग बहुत सारे थ्रेड का स्टडी किए हैं. लास्ट थ्रेड आपका आता है फाइबर, उसको कहते हैं स्पैंडेक्स. तो नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग स्पैंडेक्स का स्टडी करेंगे. उसके बाद कुछ प्लास्टिक के बारे में पहले भी स्टडी किए थे, प्लास्टिक के बारे में भी स्टडी करेंगे. ये सारे जो थ्रेड हैं इसको आप रिवाइज कर जाइएगा. इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को भी बनाते रहिएगा. फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. ओके, बाय.